इन्हें बब्बन कहकर पुकारा जाए या फिर एस सर्किट कहकर पुकारा जाए, इन्होंने हर बार स्क्रीन पर अपने अभिनय के जलवे दिखाए हैं। नाम है इनका अरशद वारसी। अरशद वारसी का जन्म 19 अप्रैल सन 1968 में हुआ। अपने बचपन में इन्होंने जिंदगी के कड़वे घूंट पिए। हुआ यूं कि ये बहुत छोटे थे तभी ये अनाथ हो गए, पर अरशद वारसी ने कठिनाइयों में भी जिंदगी का भरपूर सामना किया। मात्र 17 बरस की उम्र में ये डोर टू डोर सेल्समैन बने और कॉस्मेटिक्स बेचा करते थे। उसके बाद ये एक फोटो लैब में काम करने लगे। धीरे धीरे इनकी दिलचस्पी नजर आई डांस में और ये मुंबई के अकबर सामी डांस ग्रुप का हिस्सा बन गए। यहीं से शुरुआत हुई इनके कोरियोग्राफिक करियर की। इन्होंने महेश भट्ट साहब को असिस्ट भी किया 1987 की फिल्म ठिकाना और काश में। में इन्होंने इंडिया डांस कंपटीशन जीता और फिर वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप जो कि लंदन में हुई वहां पे भी इनका डांस खूब सराहा गया। धीरे धीरे इन्होंने अपना खुद का डांस स्टूडियो खोला जिसका नाम रखा ऑसम। और इसी दौर में इनकी मुलाकात हुई इनकी होने वाली बीवी से जो कि सेंट एंड्रयूज कॉलेज की स्टूडेंट थी, नाम मारिया गोरेती, जो कि खुद एक डीजे रही थी। अरशद वारसी एक अंग्रेजी थिएटर ग्रुप से भी जुड़े हुए थे जो कि भारत दबोलकर के लिए शो किया करते थे। 1993 के आसपास ही जया बच्चन ने इन्हें रोल ऑफर किया फिल्म तेरे मेरे सपने में। ABCL की ये पहली प्रोडक्शन थी और इस फिल्म में इनके साथ चंद्रचूड सिंह भी नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक काम किया और उसके बाद कुछ फिल्में ऐसी आईं जो बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल ना दिखा सकीं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बेताबी, होगी प्यार की जीत, त्रिशक्ति, ये सब फिल्में अच्छी रहीं, पर लगा कि अरशद वारसी फिल्मी दुनिया में कहीं खो जाएंगे। मैंने अभी एक फिल्म ख़त्म की जिसका नाम है कॉलिंग मिस्टर जो भी करवा लो। वो भी एक फुल कॉमेडी पिक्चर है, स्लैपस्टिक जिसे कहते हैं, तो वो मैं कर रहा हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। उसके बाद डेढ़ इश्किया की शूटिंग शुरू है अभी, वो ख़त्म हो जाएगी तो कॉलिंग मिस्टर जो भी करवा लो आएगी, डेढ़ इश्किया आएगी। पर उसके बाद सन 2003 में एक ऐसी फिल्म आई जिसे बनाया राजकुमार हिरानी ने, जिसने संजय दत्त का स्ट्रेचर बढ़ा दिया और संजू बाबा बोले तो मुन्ना भाई के साथ सर्किट बने नजर आए अरशद वारसी। और ये एक ऐसा कमबैक था जिसने अरशद वारसी को वापस स्टारडम तक पहुंचा दिया। इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। और फिर तो मुन्ना भाई जब लगे रहे तब सर्किट भी इनके साथ लगा हुआ ही नजर आया। फिर साल के एंड में एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है चंबल सफारी, वो भी एक सटायर है डकैती के ऊपर, बहुत मज़ेदार फिल्म है। और अगले साल की बिगिनिंग में मुन्ना भाई की थर्ड जो है वो जाएगी, तो ये लाइनअप है अभी के लिए। ये बात भी आपको हैरान करेगी, ये बिग बॉस 1 के होस्ट थे जिसे बाद में अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी और सलमान खान ने होस्ट किया। बिग बॉस वोडाफोन सीजन 7 सर, What is she asking? She's saying, when are you going to sign Salman Khan? इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें मालूम पड़ता है कि इनकी शादी 14 फरवरी सन 1999 में हुई। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ जैके वारसी और फिर एक बेटी हुई जिसका नाम रखा जेनेजो वारसी। एक एक्टर के तौर पर सोचूं तो मैं चाहूंगा कि मैं और भी रोल करूं, सिर्फ कॉमेडी ना करूं, जो मैं कोशिश करता हूं करने की। यकीनन सीरियस सीन्स हों के एक्शन या फिर हो कॉमेडी, अरशद वारसी अपने अभिनय से हर फिल्म में खूब वजन डाल देते हैं। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।